पहले इसको तोड़ लेते हैं इसके, उसके बाद इसको छोटा छोटा पीस करेंगे, बाद में पूरा पानी निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी पानी बहुत होता है इसमें। तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ये देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, रामजुली ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं और जुली भर है यहाँ पे, और वाइफ और राजकुमार छोटा बाबू सब चला गया है गांव। तो वाइफ के नहीं रहने पे क्या क्या करना पड़ रहा है वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, सरफ इधर रखे हैं, यहाँ पानी रखे हैं, अभी इसमें सरफ घोरेंगे और ये कपड़ा साफ करेंगे। और आज शाम में दोस्तों ये मशरूम मंगाए हैं, यहाँ बेचने के लिए आया था घूम घूम के, तो वही लिए हैं। ये एक पाव है 50 रुपया का, तो आज इसी का बनेगा रेसिपी, आप लोगों को भी वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो पहले सरफ घोलते हैं और कपड़ा साफ करते हैं पहले, फिर बनाएंगे इसको। तो कपड़ा को इसमें फुला दिया हूँ दोस्तों, और इधर धोने जाना है तो इधर ये टब सब निकाल लिया हूँ। अब चलते हैं, पहले पानी इसमें भर लेते हैं, फिर धोएंगे कपड़ा आधा घंटा के बाद में। तो फाइनली इधर पानी उनी भर लिए हैं, अब आते हैं धो के। और अभी आधा घंटा करीब हो गया, इधर जुल्ली भी आके देखिए कैसे कैसे लेटी उठ गई। तो दोस्तों कपड़ा उपड़ा साफ कर लिए हैं और अब शाम हो चुका है। ये देखिए इधर हम लोग का लरी बत्ती जल ही रहा है, और इधर अभी निकाल लिए हैं मशरूम को। ये देखिए कितना ज़्यादा दिख रहा है, एक पाव है। तो ये वाला कभी नहीं खाए हैं, तो देखते हैं कैसा लगेगा ये वाला। तो बनाते हैं फटाफट। तो शुरू कर दिए हैं दोस्तों, ये देखिए इसको कट भी करेंगे, पहले इसको तोड़ लेते हैं इसके, उसके बाद इसको छोटा छोटा पीस करेंगे बाद में, ये देखिए। तो कटिंग शुरू कर दी है दोस्तों, ये देखिए इधर इतना बाकी है, अभी काट रहे हैं। फाइनली कट कर दिए हैं दोस्तों, ये देखिए अब इधर प्याज काटेंगे पहले। तो दोस्तों इधर चावल भी बनाएंगे, चावल से खाने में अच्छा लगेगा। अब ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, प्याज कट कर दिए हैं, ये देखिए जुल्ली इधर फ्राई कर रही है। तो दोस्तों प्याज वगैरह डाल दिए हैं, ये देखिए। तो दोस्तों इधर मेरा प्याज भुंजा गया है, तो खोखरी डालते हैं, बाद में मसाला डालेंगे, खोखरी जब भुंजा जाएगा तब। पूरा पानी निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी पानी बहुत होता है इसमें। पूरा इसको निचोड़ निचोड़ के डाल रहे हैं, नमक भी डाल देते हैं साथ साथ से। एक बार इसको ढक देंगे, थोड़ा देर के लिए। ये पानी खोलने लगा दोस्तों, ये कितना गर्म हो गया है, इधर देखे ही नहीं थे, ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन अभी चावल धो लिए हैं, तो इसको डालते हैं इसमें फटाफट। मशरूम में डालने के लिए टमाटर काट लिए हैं, देखते हैं अब ये इसको, ये देखिए।
धीरे धीरे बुझा रहा है। टमाटर डाल देंगे अब। तो दोस्तों मसाला का घोल तैयार कर रहे हैं ये मशरूम में डालने के लिए। देखिए तो ये घोल तैयार कर लिए हैं दोस्तों। तो फाइनली ये भुंजा चुका है दोस्तों। अब इसमें डालेंगे मसाला जो घोल तैयार किए हैं। तो ये घोल डाल देते हैं दोस्तों। तो थोड़ा इसमें पानी डालेंगे दोस्तों, क्योंकि चावल से खाना है, रसदार टाइप बनाएंगे। तो ये मसाला भी भुंजा चुका है दोस्तों, तो डालते हैं अब पानी इसमें थोड़ा। तो पानी डाल दिए हैं दोस्तों, ये देखिए ये खौलेगा, उसके बाद में इसमें थोड़ा काम हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का मशरूम रेडी हो चुका है दोस्तों। ये देखिए ऐसा लग रहा है, इधर चावल भी रेडी हो चुका है। अब बस चलेगा चावल मशरूम। तो पहले इसको उतार देते हैं, फिर इसको पसाएंगे चावल। तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देखिए उधर चावल। तो चलिए पहले इसको खाते हैं कैसा टेस्ट बना है। तो दोस्तों रेडी हो गया है, तो टेस्ट कर रहे हैं कैसा बना है। ये रसदार बनाए हैं ताकि चावल से खाने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मशरूम खा लिए और अच्छा लगा। आप लोग कैसे बनाते हैं? हम तो अपना सिंपल तरीका से, शॉर्टकट तरीका से बना लिए। वाइफ भी नहीं है तो हमको जैसे आया बना लिए। तो आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।